नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। इस वक्त मौजूद है हिसार के मिर्जापुर रूट पर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है दर्शन अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जी हाँ, यहाँ पहुँचने का मकसद ये है कि अब विद्यालय खुल रहे हैं कल से, और किस तरह की व्यवस्थाएँ और किस तरह से जो है विद्यार्थियों के स्वागत की यहाँ तैयारियाँ तमाम विद्यालयों में की गई हैं, कैसे तमाम सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो है सैनिटाइज का प्रयोग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गेट पर जैसे एंट्री आप करते हैं, यहाँ पर बच्चे का टेम्परेचर चेक होता है, और टेम्परेचर चेक होने के बाद फिर वो उसके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है, और वो बच्चा आगे बढ़ता है और विद्यालय की तरफ रुख करता है। यानी तमाम तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर शुरुआती दौर में ही की गई हैं। आप कैसे गेट पर जो है आप बच्चों का स्वागत करते हैं, और कैसे सर टेम्परेचर चेक करते हैं, सैनिटाइजर करते हैं, समान दूरी पर रखते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं, पूरी तैयारी स्कूल पूरी तैयारी है आने वाले दिनों में जब स्कूल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं दर्शन एकेडमी में जैसे ही बच्चा एंट्री करता है तो यहाँ पर उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएँ हैं। कोरोना का ध्यान रखा गया है कि कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइज करना बेहद ज़रूरी है हाथों को, और आते ही उसका टेम्परेचर चेक होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल है, और ख़ासतौर से मास्क जो है वो आपके चेहरे पर होना चाहिए। यहाँ तक कि विद्यालय में जिस क्लास में जो बच्चों की संख्या है उसे ओड और इवन का जो है इसमें जो है ध्यान रखा जा रहा है। यानी 40 बच्चे हैं तो उसे 20 ही बच्चे जो है वो बुलाए जाएंगे विद्यालय में, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। हमें उम्मीद करते हैं कि इस बार जो विद्यालय खुल रहे हैं ये ऐसे हालात ना हों कि दोबारा से इन्हें बंद करना पड़े, क्लोज करना पड़े। लेकिन जो पिछले दो वर्षों से, लगभग दो वर्ष का समय होने जा रहा है, तमाम जो शिक्षा है वो काफ़ी प्रभावित हुई है। और तो दर्शन एकेडमी में पूरी तरह से तैयारियां हैं, और बच्चों के स्वागत का पूरा इंतज़ाम किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का जो है पालन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सर, आपका नाम? संजीव शर्मा। संजीव जी, कैसे तैयारियां की गई हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? विद्यालय एक बार फिर से खुल रहे हैं, तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करने के लिए दर्शन एकेडमी तैयार है। हाँ बिल्कुल सर, हम बिल्कुल तैयार हैं। एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हमने उसी तरीके से प्रिपरेशन सभी की हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर तरीके से मार्किंग किया हुआ है बच्चों का। अराइवल के टाइम पर हम अपना सैनिटाइज करते हैं, उनका टेम्परेचर लेते हैं, बकायदा उनका एंट्री और उनका टेम्परेचर रजिस्टर में भी नोट किया जाता है जी। अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर 98-99 से प्लस है तो उसे वापस घर भेजने की हिदायत दी जाती है। और बाकी रूम्स के अंदर जो है, जैसे ही क्लासेस, बच्चों को टिफिन अलाउ नहीं किया हमने, थोड़े टाइम के लिए हमने स्कूल लगाया हुआ है, सिर्फ 3 घंटे क्लासेस लगाते हैं, और 2 शिफ्ट का हमने प्लान किया है कि ताकि स्कूल के अंदर जो है बच्चों का भीड़ हुजूम ना बने। तो 2 शिफ्ट में ये फायदा रहेगा कि एक ही क्लास, यानी 2 शिफ्ट में कुछ क्लासेस पहले आ गई हैं और बाकी की क्लासेस हम बाद में ले रहे हैं। 1 घंटे का बीच में हम गैप देते हैं उसमें, जिसमें कि पूरे रूम्स जो हैं दोबारा से, वर्क स्टेशन जो है उनके सैनिटाइज हो जाएं दोबारा से जी। तो बाकी सब जो है सैनिटाइजर वगैरह जो है बच्चों को भी हमने बताया गया है, पेरेंट्स से भी हम कंसल्ट लेटर ले रहे हैं कि भाई आप बच्चे को भेज रहे हैं, आप अपनी मर्जी से भेज रहे हैं, स्कूल कोई प्रेशर नहीं कर रहा है कि आपको बच्चा स्कूल में भेजना ही भेजना है। बिल्कुल ठीक है, सबसे बढ़िया चीज तो यही है कि भाई हाँ बच्चे को या पेरेंट को हम प्रेशर ना करें। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा ये है कि भाई सेंसिटिव है, तो ऑनलाइन क्लासेस हम उन्हें भी दे रहे हैं लगातार जारी। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने, थैंक यू सो मच। तो लगातार जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, और तमाम विद्यालय जो है पूरी तरह से तैयार हैं, किस प्रकार से जो है यहाँ पर बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। दर्शन एकेडमी में हम लोग मौजूद हैं, आइए अंदर आपको दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आपको से जो है यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है, तमाम जो रूम है उनको सैनिटाइज किया गया है, और यहाँ पर जो है तमाम क्लासरूम है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाने वाला है। बिल्कुल, जैसे ही बच्चा जो है यहाँ पहुँचता है, वो व्यवस्था
क्लासरूम जो है उन्हें भी हम दिखाएंगे कि किस प्रकार की वहाँ पर काम व्यवस्थाएं की गई है और कैसे के वहाँ पर विद्यार्थी बैठे यहाँ पर जैसे ही विद्यालय लगेगा तो तमाम विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए यहाँ पर बैठेंगे। बहुत लंबे अरसे के बाद जो है एक बार स्कूल खुल रहे हैं, उम्मीद ये करेंगे कि इस बार जो है ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहे और बच्चे जो है अपने टीचर्स के सामने बैठकर पढ़ें। हालांकि जो है ऑनलाइन व्यवस्था जरूर की गई है लेकिन वो एक विकल्प मात्र हो सकता है, लेकिन जो सही तरीके से जो पढ़ाई होती है वो कहीं ना कहीं क्लासरूम में ही होती है। तो आपका नाम? किस प्रकार से क्लास में व्यवस्थाएं होने वाली है जो बच्चे यहाँ हैं? सर श्योर, एक्चुअली जैसे कि गाइडलाइंस ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय द गवर्नमेंट गिवन है, उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको सैनिटाइज करवाए जाएगा उनके हैंड्स, और उनको पहले ही मैसेज को थ्रो उनको इंटीमेट कर दिया गया, इन्फॉर्म कर दिया गया कि वो अपना सेपरेट वाटर बॉटल लेकर आएंगे, अपना खाना लेकर आएंगे, अपने टूल्स लेकर आएंगे, जो भी लर्निंग टूल्स हैं बुक्स हैं वो कोई शेयरिंग नहीं करेंगे। सेकेंडली क्या है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर डिस्टेंस में बिठाया जाएगा प्रॉपर गैप के साथ, जैसे कि ये रूम है आप देख पा रहे इतने बेंचेस हैं, तो पर बेंच पर स्टूडेंट विल बी सिटिंग। जी, तक ऑनलाइन आप लोग पढ़ाते रहे? हाँ सर, ऑनलाइन पढ़ाते रहे हैं। एज यू नो कि एक सेइंग है, टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस टीचर्स, सो इट इज ट्रू, एंड नाउ वी हैव कम टू नो एवरीबॉडी वी आर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट दैट टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस टीचर, बिकॉज ए टीचर इज ह्यूमन बीइंग एंड इन फ्रंट ऑफ द टीचर स्टूडेंट कैन frankly and without any hesitation they can ask the doubt and clarify any issues, no problem at all for the students, and they can interact face to face with the students, and then it will be not monotonous, it will be learning with joy. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से व्यवस्थाएं तमाम क्लासरूम की, यहाँ लाइब्रेरी भी है, हम उसे भी देखना चाहेंगे किस प्रकार से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ख्याल यहाँ भी रखा जाने वाला है। तो जैसे विद्यालय खुलेंगे हर तरह की जो तमाम विद्यालय हैं सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं जो उनकी हिदायतें हैं उनका पालन यहाँ पर किया जाने वाला है। मैम आपका नाम? किस प्रकार से यहाँ पर जो है जैसे विद्यालय खुलेंगे क्या ख्याल रखेंगे आप लोग बच्चों को? सोशल डिस्टेंसिंग जी, मास्क करेंगे। बच्चे आएंगे कैसा महसूस कर रहे हैं कि भाई अभी तक तो ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा था, स्टूडेंट्स भी हैप्पी नजर आ रहे हैं, अगर चाह रहे हैं कि स्कूल खुले और हम भी दोनों ही चाह रहे हैं कि स्कूल ओपन हो जाए, लेकिन गाइडलाइंस तो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी तक तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी लेकिन बच्चे भी बड़े लंबे अरसे से कहीं ना कहीं बोर हो गए घरों में, वो चाह रहे हैं कि विद्यालय खुले हैं और तमाम बच्चे जो है स्कूल पहुंचे। सर आपका नाम? मैं हितेश पाल। हितेश जी आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक तरह से दोबारा भी ऊपर हो रहा है। हाँ जी, ये बहुत काफ़ी दिनों से पेरेंट्स बहुत वेट कर रहे थे, बच्चे भी काफ़ी वेट कर रहे थे, अपने स्कूल मिस भी कर रहे थे जी, और एक तरीके से ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि बच्चे का जो करिकुलम है वो पूरा तरह डिस्टर्ब हो चुका है। पेरेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन से इतने सेटिस्फाइड, बिल्कुल, अब वो चाहते हैं कि जो वन टू वन एजुकेशन है वो जल्द से जल्द शुरू हो, इसके रिगार्डिंग स्कूल ने पूरी तैयारी कर रखी है, जो हमारा टाइम टेबल है ऐसा बनाया गया है कि एक समय पे लिमिटेड स्टूडेंट्स ही बैठकर एक क्लास में अटेंड करेंगे क्लासेस, बच्चे शिफ्ट में भी आएंगे ऑल्टरनेट डेज में भी आएंगे, तो इसका हमने टाइम शेड्यूल ऑलरेडी बनाया हुआ है, आज एक मीटिंग भी हमने पेरेंट्स से ली थी इसके बारे में, और 16th ऑनवर्ड 9 to 12 क्लासेस शुरू हुए, उसका टाइम टेबल भी हमने शेयर किया। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि बच्चे अब दोबारा से आप लोगों के सामने होंगे? अच्छा लग रहा है काफ़ी, पर थोड़ा हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी पड़ेगी। हाँ। तो वी हैव टू फॉलो सो मेनी इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, तो अंडर दैट इंस्ट्रक्शन वी विल ओपन द स्कूल एंड वी आर वेरी हैप्पी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। और स्कूल खुलने के बाद एक जो लंबा इंतजार था बच्चों का वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि एक बार इस बार जब स्कूल खुले तो वो जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहे, कहीं कोई व्यवधान आने ना पाए। मैम क्या नाम आपका? निशा। निशा जी आप इस लैब में किस तरह की व्यवस्था करने वाली है जब स्कूल खुलेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी।
तो हम यहाँ पर कंप्यूटर बच्चों को एक कंप्यूटर छोड़ के नेक्स्ट कंप्यूटर बच्चों को बिठाएंगे और पूरा सेंट्रलाइज करके ही हम बच्चों को लैब में आने देंगे जी। और विद मास्क, विदाउट मास्क वैसे बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं होगी। और बाहर गार्ड हमारे बच्चों को टेम्परेचर चेक करते फिर ही हम उसको एंट्री कर देते स्टूडेंट्स को। काफ़ी समय से आपकी ये लैब खाली पड़ी है, एक तरह से बच्चे नहीं आ रहे हैं, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि अब एक बार से जो है यहाँ दोबारा से बच्चों के बीच घूमूंगी आप? बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे लैब सब खाली खाली बच्चों के बिना, तो फिर जी बच्चों का भी फ्यूचर डिपेंड करता है इसके ऊपर। बिल्कुल, बच्चे तो आएंगे तो स्कूल की होना क्या। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वो जो दर्शन अकेडमी के प्रिंसिपल हैं, आप उनसे भी बातचीत करेंगे, आखिर किस तरह की मीटिंग हुई, कैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, वो उनसे बातचीत करेंगे। दर्शन अकेडमी सीनियर सेकेंडरी अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, यहाँ पर बच्चों के उनके विकास के लिए कार्य किया जाता है। मैं उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर जो है किस प्रकार से स्कूल खुलने के बाद व्यवस्था है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जब विद्यालय खुल रहा है उसके बाद किस तरह की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं? सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका दर्शन अकादमी में। और जहां तक की बात है विद्यालय खुलने की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है और बच्चों के लिए खुशी की लहर, साथ ही साथ जितने टीचर्स हैं उन सभी के लिए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे वापस स्कूलों में आएंगे और आगे को हम देखते हैं कि बच्चों का जो पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम होगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा जी। जहाँ तक तैयारी की बात है तो स्कूल में सबसे पहले तो जो सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग में रहें और जब वो सुबह आते हैं उनकी थर्मल चेकिंग हो और उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन हो, तो उसके लिए स्पेशल टीम तैयार है जो इस कार्य को देखेगी। उसके बाद जो बच्चों की बैठाने की व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से करी गई है कि एक कक्षा में ज़्यादा विद्यार्थी ना हो और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, तो एक कक्षा को दो भागों में बांटा गया है और इवन रोल नंबर के आधार पर, और पूरे स्कूल को दो शिफ्ट में बांटा गया है कि उस कक्षा के कुछ विद्यार्थी सुबह आके अपनी क्लासेस अटेंड करें पूरे तसल्ली इत्मीनान से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, और फिर दूसरी शिफ्ट में बाकी के विद्यार्थी आ सके। तो मॉर्निंग शिफ्ट में इवन रोल नंबर्स आएंगे और इवनिंग शिफ्ट में, आफ्टरनून शिफ्ट में ऑड रोल नंबर्स आएंगे। उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट है उसे बड़ा ही पॉजिटिव और वेलकमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो स्कूल्स हैं वो बच्चे के लिए एक दूसरा घर है, इट्स कॉल्ड एज अ सेकंड होम फॉर द चाइल्ड। तो इसी को देखते हुए कि टीचर्स की ओर से, हमारी ओर से एक प्रकार का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जाए, जो एक डर का माहौल था उसे खत्म किया जाए और पॉजिटिविटी में होके बच्चे का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे लिया जाए। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने की काउंसलिंग करने की, तो उन्हें इसके लिए समय समय पर इसके लिए काउंसलिंग करी जाएगी, उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि ना केवल वे इसे फॉलो करें परंतु अपने आसपास अपने परिवार में भी इसका वो अच्छे से पालन कराएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टेइंग हेल्दी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके साथ साथ जो हमने शेड्यूल में रखा है कि एक और जहाँ पर ऑफलाइन टीचिंग चल रही है तो ऐसे कुछ विद्यार्थी होंगे जो नहीं आ पाएंगे किसी भी कारण से, तो उसके लिए वी हैव अडॉप्टेड हाइब्रिड टीचिंग कि जहाँ एक और ऑफलाइन टीचिंग चल रही है दूसरी ओर टीचर उसी समय ऑनलाइन टीचिंग के लिए भी उपलब्ध है, ताकि बच्चों का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और उनके लिए हर प्रकार से हम सतर्क हैं, हर प्रकार से तैयारी है और यही कामना कर रहे हैं कि आने वाला समय हम सबके लिए बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में होते हुए पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से चले। बिल्कुल, हमारे चैनल के माध्यम से तमाम विद्यार्थियों को, उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पेरेंट्स को और विद्यार्थियों को सबसे पहले तो यही मैसेज रहेगा कि जबकि ये अवसर है कि बच्चे स्कूल में आए तो इसके लिए वो किसी भी प्रकार का डर या फियर ना रखे कि क्या होगा जब हम बच्चे को स्कूल में भेजेंगे। देखने में पाया जाता है कि बच्चा जितना डिसिप्लिन स्कूल में रहता है शायद वो घर में माँ बाप के साथ और अन्य जगहों पर नहीं रहता, तो पेरेंट्स को एक ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए और बच्चों को भी,
कि स्कूल में जो एक सिस्टमैटिक तरीके से करिकुलम चलाया जाता है उसके लिए बच्चे का होना और बच्चे की सहभागिता उसमें अनिवार्य है। बिल्कुल। दूसरा, पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि जब आप बच्चे को भेज रहे हैं, एक तो बच्चा कंसेंट लेटर लेकर आएगा पेरेंट्स की ओर से, दूसरा घर से भी बच्चे को थोड़ा गाइड किया जाए कि जो आपकी गाइडलाइंस है उसे आप फॉलो करते रहें, क्योंकि यही बच्चा एक टाइम स्कूल आ रहा है और यही बच्चा वापस घर भी जाएगा, अपने पड़ोसियों से मिलेगा, मित्रों से मिलेगा, दोस्तों से मिलेगा, तो जितना ज्यादा वो अपने आप को सेफ रखेगा तो वो आगे भी उतना ही सेफ एनवायरमेंट को बनाने में एक लिंक रहेगा। तो यही कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि जो ये अवसर आया है इसका भरपूर फायदा पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल भेजें और जो उनके पढ़ने पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसमें अपना भरपूर सहयोग दें। इसी चैनल के माध्यम से मैं पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि जबकि एक समय ऐसा था ऑनलाइन टीचिंग चल रही थी, बच्चे घर पे ही थे, तो जो बच्चों ने उस टाइम पे अचीव किया है उसमें एक पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बिना पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन के हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते थे, तो मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूंगी कि कैसे वो सतर्क रहे, कैसे उन्होंने बच्चे को टाइम टू टाइम गाइड किया और सबसे ज्यादा बच्चे के साथ टाइम मैनेजमेंट को उन्होंने चलाया। यस, ये स्कूलिंग का टाइम है, आपको अपनी क्लासेस के लिए बैठना है, आपको अपना काम कराना है, उनको गैजेट्स अवेलेबल कराए, अपनी दो चार सुख सुविधाओं को एक तरफ रखते हुए उन्होंने बच्चों को गैजेट्स मुहैया कराए, तो ये सब पेरेंट्स की ओर से उनके सराहनीय कार्य हैं, उनका समर्थन है, उनका सहयोग है, तभी ये इतना लंबा समय हम ऑनलाइन ले सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।